नमस्कार मंडळी, आजचा व्लॉग ना आपला हिंदीमध्ये असेल आणि आजच्या व्लॉगमध्ये फार नवीन स्पेशल होणार आहे, कारण आज एका रॅपरला आपण भेटायला जात आहे. मजाक नाही, आज तो एकदम रायझिंग स्टार रॅपर आहे आणि त्या रॅपरचं नाव आहे सूल M19. ओके, त्याच्या एरियामध्येच आहोत, तो आता 2 मिनिटांमध्ये येईल आपल्यामध्ये. तो वेलकम बॅक दोस्तो न्यू व्लॉग में. आज हमारे साथ M19 मौजूद है हमारे साथ, और आज इनके बारे में आज बहुत सारी बातें रूबरू हो जाएंगी इनके साथ. मोस्टली ये जनवरी में ही इनका एक टॉपिक काफ़ी चर्चे में आया है, जैसे कि विजय डिंके और इनका कुछ कंट्रोवर्सी लीक हो गया था, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे कुछ. इसके पहले थोड़ा जान लेते हैं सूल M19 के बारे में. तो वेलकम सूल M19, कैसे हो तुम? सबसे पहले एक नंबर भाई, मैं ठीक और बाकी सब अच्छा भाई. और तुम्हारा इस जनवरी 2020 में कुछ नया गाना आने वाला है कि नहीं? हाँ, मेरा 2022 में मतलब शायद ईपी का बहुत सारे मतलब ये आने वाले गाने आने वाले मेरे. अच्छा, मतलब बहुत कुछ आने वाला है 2022 में. ओके, कंग्रेचुलेशन तुम्हारे गाने वाले उसके लिए. थैंक यू. और सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि यूजुअली ये रैपिंग का एक अग्रेशन कहाँ से शुरू हुआ, एक किक होता है ना, कि रैपिंग कहाँ से आपको एक इंस्पिरेशन करने लगी? मतलब ये मैंने किया शायद मतलब 2015 से मैं रैपिंग कर रहा हूँ. अच्छा, उसके पहले मैं अंडरग्राउंड आर्टिस्ट था. और 2015 में मेरा भाई सागर गली बॉय है, मतलब हम लोगों का एक क्रू. अच्छा, तुम्हारा क्रू है? हाँ, क्रू है. पर मतलब बहुत स्ट्रगल किया मैंने लाइफ में, पर 2022 में मेरा मतलब ये हुआ मतलब पूरा. अच्छा, तो दर्शकों को बता दो तुम्हारा यूट्यूब चैनल का. मेरा यूट्यूब चैनल पब्लिक MLC19 रैपिंग क्रू है, सोल M19 सिंगल है. तो दर्शकों, ये चैनल को तुम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो तुम्हारे आपस में जितने भी दोस्त हैं उसके में. और सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि सूल M19 की तुम्हारा जो ये डीप डार्क तुम्हारा एक फ्लो मैंने सुना था, मोस्टली मतलब जिनके दिल टूट जाते हैं उनके ऊपर ही आप वो हिसाब से आप स्लैंग में वो आपके वर्ड्स लिखते हो. हाँ, तो ये क्यों हो गया? तुम्हारे साथ सच में ब्रेकअप हुआ है? हाँ, मतलब हो गया तुम्हारे साथ? मतलब भाई कैसा सीन हुआ मालूम है क्या? एक बंदी थी, मैं उससे थ्रू लव करता था, मतलब समझ रहे कि मतलब वो रियल लाइफ है ना. मैं पब्लिक को, मेरी रियल लाइफ मतलब क्या होती है ना, मैं पब्लिक तक ना मतलब पूछना चाहता हूँ कि क्या सीन चालू है मेरी लाइफ में, क्या क्या चालू है. मतलब ये अभी मतलब ना, मैं एक डेमो गाना आने वाला है ट्रस्ट ने एक इस पे करके, मतलब वो गाने के बाद है ना, मतलब समझ रहे भाई कुछ तो मतलब और नए नए सुनने मिलेगा सबको. ट्रैक बहुत आ रही है. यस यस, उसके लिए शुभकामनाएं. और यूजुअली ये जनवरी में मैंने देखा काफ़ी सारे, मैंने भी देखा यूट्यूब पे कि ये विजय डीके और तुम्हारा टॉपिक काफ़ी हाइप जा रहा है. तुम्हारा कुछ शायद तुमने कॉल किया है, फिर उसकी कॉल आया, तो ये इसके बारे में लोग जानना बहुत काफ़ी उत्सुक है उसके बारे में. उसके बारे में थोड़ा बता दो कि इतना वायरल हो रहा है लोगों में, तो उसके बारे में थोड़ा बता दो कि विजय मतलब क्या कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुआ. मतलब क्या सीन हुआ मालूम है क्या? जो मेरी एक्स थी बराबर, वो एक्स ने ना मतलब ना हम लोग दोनों का ना मतलब रिलेशन चालू था. वो मेरे साथ थी, मेरे को बोलती थी ब्लड ब्लड, मैं उसको बोलता था रियल में कि अच्छा ये ब्लड, ये गैंग है. हाँ, गैंग है, मतलब एक ब्लड में हक से ब्लड को रिप्रेजेंटिंग करता है. ओके, ब्लड हुआ मतलब. पर उसके बाद क्या हुआ मालूम है क्या? एक दिन उसने विजय डीके के साथ फोटो किया, मतलब ये किया, पर मेरे को गुस्सा नहीं आया. मैं मतलब क्यों गुस्सा करूँ, वो भी आर्टिस्ट है. मैं दिल से उसके मतलब ना दिल से मैं उसको रिस्पेक्ट करता था विजय डीके को, हक से बोले. पर उसने क्या किया मालूम है क्या ब्रो? मैंने खाली इंस्टाग्राम पे रात को मतलब अभी हो गया उसको 15 दिन हो गया, एक रात को मैंने खाली यही डाला था कि यू जो बिस्किट को खा रहा है वो बिस्किट को अभी मैं खा के छोड़ दिया ब्रो. अगर ये दोस्ती यारी में कहा था या फिर नहीं, सीरियस मतलब सीरियस में कहा था. फिर उसके बाद क्या हुआ मालूम है क्या? अच्छा, फोन पे खाता है? फोन पे. ओके, फोन. फिर उसके बाद मैंने को क्या बोला मालूम है क्या? वो रात को मेरे को मतलब 8 बजे कॉल आता है उसका, बोलता है कि सोलर 92 है क्या? मेरे को डायरेक्ट पहली माँ से गाली देता है, माँ बहन से गाली देता है. पर मैं वो टाइम ना रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया था, क्योंकि मैं क्या सोच रहा था मालूम है क्या? विजय डी क्या ऐसा गाली नहीं देगा बंदा, क्योंकि मैं उसके पहले से रिस्पेक्ट करता हूँ, हर एक आर्टिस्ट की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. पर समझ रहे उसके बाद क्या हुआ मालूम है क्या? 10 बजे कॉल आके गया मेरे को उसका. 10 बजे कॉल आया मेरे को, कुछ ने मतलब बोला हो कि ऐसा ऐसा भाई है, अच्छे से बात किया हम लोग स्टार्टिंग है ना, अच्छे से बात किया पूरा. फिर उसके बाद है ना 11 बजे का कॉल है ना, उसने मेरे को गाली दिया. फिर एक मेरा अनरिलीज गाना है ट्रस्ट ने एक इस पे करके, वो गाना मेरा ना मतलब 10 मिनट के अंदर है ना मतलब उसका कॉल मैंने रखा ना, अनरिलीज गाना है ना ट्रस्ट ने एक इस पे, वो डायरेक्ट ना लीक हो गया मतलब समझ रहे. अच्छा, फिर मेरे को डाउट आया कि वही बंदे ने किया. फिर उधर से मैंने उसको बोला कि ब्रो तू गलत कर रहा है ऐसा वैसा, इसके लिए भाई बाकी.
ओके ओके, मतलब अनजाने में कुछ हो गया रहेगा, वो साइड से भी गलती होगी या फिर उसका भी कुछ मकसद रहेगा। यहाँ पे तो प्योरिटी हमें नज़र आती है, उनसे मैंने बात की नहीं अभी। उसके बाद भाई क्या हुआ मालूम है क्या, उसने जैसा मेरी माँ बहन के मतलब गाली दिया ना, मैं इग्नोर किया, मैं बोला जान दे ये क्या एक मतलब हुआ गलती, मैं एक्सेप्ट करता हूँ चलो। फिर उसके बाद और एक बार है ना रात को ना 11:30 के बीच में ना मतलब ना ऐसा सीन हो गया ना दोनों में गाली गलौज फटे हो गया। अच्छा। वो बोला हुड़ते लगाएगा उठाएगा, मैं बोला अच्छा ये हुड़ यानी तुम्हारा एक एक जोन होता है, जोन होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप होता है। अच्छा हाँ। वो बोला मेरे को ऐसा वैसा, उसके होमीज मेरे को कॉल कर रहे नहीं क्या सता रहे थे, मैं बोला ब्रो ऐसा नहीं है, मेरे को बोल रहा था ऐसा ऐसा वैसा वैसा, मैं बोला नहीं मेरी जान ऐसा कुछ नहीं है। और उसने क्या किया बाद में गाली दिया ना भाई, फिर देखो सामने से मेरे को गाली आए तो मैं थोड़ी चुप बैठूंगा, मैं भी उसको गाली दिया कि ब्रो ऐसा ऐसा, मैं उसको डार्लिंग डार्लिंग बोल रहा था लास्ट तक। और उसने मतलब वो तुम्हारा एक टाइम पे अच्छा दोस्त, अच्छा दोस्त था, बीजेडी के सूल M19 का एक टाइम पे अच्छा दोस्त है, अभी भी है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रिलेशन नहीं अभी रिलेशन नहीं हुई शायद, नहीं हुई बिल्कुल नहीं। तो मार्केट में खबर है कि विजय डी के तुम्हारे ऊपर डिस लाने वाला, ऐसा YouTube पे भी काफी दिख रहा है तुम्हारा ऑडियो जो लीक हुआ है ना, उसके नीचे मैंने कमेंट पढ़े, तो इसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ मतलब अभी वो तो नहीं मालूम, पर मैं उसको डिस करने वाला हूँ। Okay, क्योंकि जो मतलब देखो वो टॉपिक सब हो गया, वो सब ना मैटर सॉल्व हुआ था, सब लोग बोल रहे चमड़ी है पर ये वैसा कुछ सीन नहीं है, पर क्या सीन हुआ था वो रियल फैक्ट है ना, जिसके साथ होता है ना उसको ही मालूम गिर जाए कि क्या सीन है, जिसके ऊपर होता है उसको, जिसके ऊपर बिकता है उसको ही पता चला। हाँ पब्लिक खाली अफवाह फैला रही है ये सोलम फेम के लिए, पर वैसा कुछ नहीं है, फेम वेम के लिए नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरे को दिखाना क्या है कि आज के पब्लिक के टाइम के मतलब कौन फेक है रियल कौन है ये सब दिखाने का है। अच्छा ओके, तो होप कि तुम्हारे आपस में कुछ ठीक हो जाए, दोनों में जल्दी कोलैबोरेशन हो जाए, या फिर कुछ अच्छी बातें एक तुम्हारे साइड से कुछ एल्बम आ जाए। अच्छा तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। और अभी एक रैपिड फायर राउंड सूल M19 के साथ खेलने वाले, तुम रेडी हो कि नहीं? रेडी है भाई। रैपिड फायर यानी कि एक मिनिमम क्वेश्चन होते हैं जब हम पूछते हैं तो सामने वाला बिना झिझक उसका आंसर दे देगा, ठीक है? तो तुम रेडी हो क्या? यस यस। तो सबसे पहले एक छोटा सा ब्रीथ ले लो, पहले रिलैक्स हो जाओ, कुछ विजय जी के सब कुछ बर्डन दो। और तुम्हें कुछ धमकियां वगैरह तो आई नहीं ना? बहुत आई है मैंने सुना। आई है धमकियां मेरे को बहुत आई है। अच्छा नहीं रैपिंग में ऐसा होता है, कैसा होता है मालूम है क्या भाई, मतलब सामने वाला बंदा ने क्या मतलब आगे जाने लगता है ना कि पब्लिक है ना उसको ये करने लगते हैं ना क्या मतलब पीछे डिफेम करने लगती है। तुम लोगों को क्या बोलूँ, मेरे को ये भी धमकी आई थी कि फोन पे चैट्स पे कि तेरी अगली क्या हम लोग ना उसको बोलेंगे कि गर्लफ्रेंड को जाके बोलेंगे कि 16M19 ऐसा बंदा है उसके मतलब कुछ तो मतलब गंदे चाले करके तेरा वीडियो लीक करेंगे ऐसा वैसा। मैं बोला कुछ भी नहीं फर्क करता भाई लोग, तुम लोग को जो करना है करो। राइट राइट, अभी इंडिया में भी काफ़ी ये फैक्ट हो रहा है, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया में तो बहुत सारे लोग तो गन और इसके ऊपर गैंगवॉर हो जाता है, अभी धीरे धीरे ये इंडिया में भी हो रहा है, ब्लड गैंग, क्रिक गैंग और डार्क गैंग, आई डोंट नो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है रैपिंग के मामले में, मुझे सिर्फ इतना रैप सुनता हूँ, थोड़ा इंजॉय बहुत करता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि रैपिड फायर राउंड है, ठीक है, XXX टेंटेशन के बारे में कुछ एक लाइन। मतलब भाई वो आर्टिस्ट है भाई, उसको बुला सकते हैं XXX टेंटेशन को, बाकी बहुत सारा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर तुम्हारे हाथ में कोई गन देगा रैपिंग के इंडस्ट्री में, जस्ट इमेजिन है, तो सबसे पहले एक हिट लिस्ट वाले रैपर को किसको मतलब उड़ाओगे? हाँ एक इमेजिनरी क्वेश्चन है। अच्छा उड़ा डालेंगे ना क्या उसमें बड़ी बात, मतलब उसका नाम, अगर नाम मतलब उसका नाम क्या नाम नाम रैपर का नाम, अगर तुम्हारे हाथ में कोई गन देगा, हाँ गन देगा तो तुम किसको उड़ाओगे? एक नॉर्मल इमेजिनरी क्वेश्चन है, जस्ट नॉट फॉर सीरियस। उड़ा देंगे भाई जो अपने अपोजिट में उनको। अच्छा बिंदास उड़ा देंगे ना हाथ से। ओके जो जो सूल M19 को क्रॉस करेंगे तो थोड़ा संभल के रहना। और तीसरा यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई लेबल आ जाते हैं, जैसे MVP बनता है, जैसे सिद्धू मूसे वाला का अलग एल्बम है, गली गैंग का अलग एल्बम है, तो फ्यूचर में अभी तुम राइजिंग रैपर हो, टीन एज में काफ़ी तुम्हारी टीन एज है और टीन एज में काफ़ी पॉपुलरिटी तुमने हाइप कर लिया है माहौल, तो अगर कोई लेबल आता है तो तुम किसको सपोर्ट करोगे, यानी कि MVP बनता है, सिद्धू मूसे वाला या फिर गली गैंग? नहीं मतलब मैं तो मतलब समझ रहे भाई, मैं मतलब अपन बंटा रिकॉर्ड्स में तो नहीं, बाकी सब लेको मतलब लेबल आ गए उसमें ट्राई करेंगे। ओके ओके, तो मोस्टली चौथा क्वेश्चन ये है कि मैं जानना चाहता हूँ मुंबई वाले रैपर या दिल्ली वाले रैपर?
सबसे अच्छे कौन है, मुंबई वाले दिल्ली वाले? मैं तो भाई मतलब मैं सबको सुनता हूँ और मैं हर एक आर्टिस्ट की ना भाई रिस्पेक्ट तो बहुत करता हूँ, भले वो मेरे से छोटा रेंदो या बड़ा रेंदो, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को मतलब एक मेरा जो मेरे को बना है ना भाई मतलब समझ रहा है, मैं सबकी ये करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि समझ रहे अगर मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसके बारे में कभी बुरा बोला उसके नहीं, सब आर्टिस्ट मेरे को एक जैसे छोटे से लेके बड़े तक, मेरा क्या कहने का मतलब है मालूम है क्या, तुम लोग कर रहे हक से करो भाई, सब लोग सपोर्ट करो, पर खुद को तुम लोग रियल रे मान रहे ना, लेजेंड की गिनती में मत लो कभी, यही मेरा बोलने का मीनिंग है भाई, बाकी कुछ नहीं। यस यस। और पांचवा और आखिरी सवाल ये है कि आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे एल्बम आने वाले, ईपी आने वाले, आने वाले राइट, होप श्योर, मेक श्योर कि भगवान को यही दुआ है कि आने वाले इसमें बहुत सारे गाने आए, सारे गाने और ये सब पॉपुलैरिटी मिलने के बाद लोगों के बीच में मतलब क्या इंस्पिरेशन रहेगा, तुम्हारी बैड इमेज क्रिएट होगी या फिर गुड इमेज, तो तुम्हें क्या मतलब आप बीच मतलब नहीं क्या पब्लिक में बोल रही थी मेरे सब मतलब दोस्त या यारी सब बोल रहे थे ब्रो तू अभी क्या ऐसा कर रहा है तो ये हो जाएगा हम लोग को भूल जाएगा, मैं बोला मेरी जान ऐसा कुछ नहीं, वो तुम लोग का मतलब सोचे, मतलब तुम्हारा मीनिंग है कि तुम डाउट करती रहोगे उनके ऐसा, मतलब मैं जो मेरे होमी से ना उन लोग के सामने मैं जैसा है ना वैसा ही रहूंगा, पर बाहर के पब्लिक के सामने मतलब समझ ले जरा ऐसा सीन चाल होगा, बहुत गाने भी बहुत डेंजर डेंजर आ रहे हैं। तो थैंक यू तुमने अपना कीमती समय निकाल के एक इंटरव्यू दिया, थैंक यू तुमने काफ़ी, और हाँ सुहूल एम 19 ये मेरे अजीज दोस्त है, बस कैमरे के सामने थोड़ा एक रिस्पेक्ट होता है बड़े बड़े आर्टिस्ट की, मेक श्योर ये आर्टिस्ट है और मेरे भी इनके साथ एक ड्रामा में हमने काम किया, ड्रामा में काम, यस यस, इन्होंने मुझे हाथ ना लगा और उसमें ऊपर रैप गाया था, तो काफ़ी अच्छा ड्रामा था, बुलबुल शायद नाम था, बुलबुल नाम, तो ये सब इमेजिनरी आज अच्छा हुआ, ये तुमने मुझे टाइम निकाल के तुमने परमिशन दी और इंटरव्यू हुआ, तो थैंक यू दर्शकों, ये व्लॉग को तुम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और तुम्हारा चैनल का नाम और ग्रुप का भी चैनल का नाम, ग्रुप का नाम है MNC90 रैपिंग ग्रुप और सोलेम 19 मेरा इसका नाम है यूट्यूब का, अभी जो सिंगल गाने आने वाले उस पर आने वाले, पब्लिक जाके फटफट चेक करो, हमेशा मचा दे रहेंगे, पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। तो सागर मेरे चैनल के लिए एक छोटा सा तुम्हारा इंट्रो अगर दर्शकों को पता चलेगा, एक फ्री स्टाइल तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ओके भाई, एड़ी चाली करना मत देता मैं तो तेरे को पासी आना मेरी तलक मत आना मैं तो तेरे को बोलना चाहता हूँ ब्रो हक से मत चाहता क्योंकि MNC में रहने वाला लड़का में ना किससे डरने वाला छोटे मुँह से काम नहीं करने वाला हकीकत में मेरा भाई मेरे साथ बोले यश मेरा भाई बोले ब्लॉक निकालना है भाई कि ये साथ बोले हक से मचारा सागर बीबी एक्स मेरा भाई बीट बॉक्सिंग पे बोले ऐसा मचारा ये पब्लिक को बोले हम ऐसे नचारा चल।